ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता जी। हाय एवरीवन, एवरीथिंग बी ऑल राइट? एवरीथिंग बी ओके? ओके ओके, डोंट वरी, बी हैप्पी एंड टेक केयर एंड केयरफुल। गुड मॉर्निंग बधाई ने अजन भाई, गुजराती में बोलते तो मेरे को भी याद आ जाता है। हम लोग अभी सजन हाईवे है ये जो राजकोट जा रहा है, पोरबंदर टू राजकोट, और हमने वादा किया था सब लोगों को, जो लीलबाई माँ का हमने इतिहास का वीडियोस डाले हैं तो सब कमेंट आती थी कि सब जहाँ जहाँ माता जी का जो पर्चा है, जहाँ जहाँ सानिध्य है, उसका दर्शन कराइए। तो हम लोग कोशिश करेंगे, तो वादे के मुताबिक हम लोग अभी आपको लेके जा रहे हैं राणा कंडोरड़ा, कंडोरड़ा जहाँ माँ लीलबाई माँ की, माँ बच्ची बापा की समाधि स्थल है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं आज, और बने रहना हमारे साथ साजन एंड विजय व्लॉग में, आपका स्वागत है। और हम लोग आज शाम तक पूरा वहाँ का इतिहास जानेंगे, वहाँ जाएंगे, दर्शन कराएंगे, सही है ना साजन? सही है। और दुनिया में कहीं भी हो आप लोग सेफ हो, सही सलामत हो। हम तो प्रार्थना करते हैं सुबह से उठ के ईश्वर से कि सब जगह में शांति हो, प्रेम भाव हो, सद्भावना हो, और ख़ास रशिया और यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म हो जाए, ऐसी प्रार्थना के साथ, क्योंकि निर्दोष लोगों के आहत होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। दुनिया में हम लोग सेफ है तो पूरी दुनिया भी सेफ होनी चाहिए, तो सब शांति से रहें, ऐसे हम उम्मीद के साथ बने रहना हमारे साथ। साजन कुछ बोलना है दो बातें? आप बोले, अच्छा लगा। ठीक है, तो हम अभी लेके जाएंगे, बने रहना हमारे साथ। और सुबह सुबह का टाइम है तो दो लाइनें हम ऐसा प्रभातिया बोलते हैं गुजराती में, तो दो लाइनें थोड़ी गुनगुनाएंगे, ठीक है? और हमारा ये बाइक का जो वीडियो है साजन, सही है ना, हम लोग बाइक सवार ज़्यादा करते हैं, बाइक सवारी पे ही हम लोग टूर करते हैं, तो हमारा ये वीडियोस आप खास कमेंट करके हमको बताना कि आपको अच्छा लगता है, बोरिंग नहीं होता है ना, हम लोग मेहनत करते हैं, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा तो फिर प्राइज नहीं होगी, सही है ना? सही है। तो बताते रहना कैसा हमारा वीडियो से, कमेंट करते रहना। साजन भी बार बार आपको यही अपील कर रहे हैं कि कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है? बने रहना हमारे साथ, मिलेंगे माँ का दर्शन के साथ राणा कंडोरड़ा। जय माता जी, जय लीलबाई माँ, जय बच्ची बापा। वाह, कैसा लग रहा है साजन? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा, हमारा तो मकसद ही यही है ना कि सब लोग खुश रहे हमारी वजह से, सही है ना? हाँ, जब तक आपका साथ रहेगा मेरे को अच्छा ही लगेगा। हाँ, आपका साथ, हमारा सहकार। तो अभी दो लाइनें मैं थोड़ा गुनगुनाता हूँ। जरूर गाइए। गुजराती में प्रभातिया बोलते हैं। हाँ, बोलेंगे कि अखंड रोजी तो हरि आत्मा है ना, हमारा तो कुछ है नहीं, सही है ना? वाह 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 वाह, मेरे को बहुत पसंद है। हाँ, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, हम तो सिर्फ निमित्त है। ये जिंदगी की है ना कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मौत की गारंटी है, वो पक्का है। इसलिए खुश रहना, जिंदगी को एंजॉय करते रहना। हम लोगों को तो दिल में अभी घुस गया है एंजॉय का। सही बात है। जीवाला अखंड रोजी हरि आत्मा, हरि आत्मा वालो मारो जुए से विचारी, देवारे वाड़ो नथी दूबड़ो रे भगवान नथी रे भिखारी, जय अखंड रोजी हरिना आत्मा, हरिना आत्मा। उसके बाद जो लाइन आती है ना बहुत अच्छी है, गुजराती में है लेकिन समझ आती है मेरे को, के नव नव महीना माता ना उदर वशा, उदर वशा ने हरि आपसे, आपसे सुताने जगाड़ी, जय अखंड रोजी हरि ना आत्मा, हरि ना आत्मा। ओके, तो मिलेंगे माँ के सानिध्य में राणा कंडोरड़ा, तब तक बने रहना हमारे साथ, टेक केयर, बाय बाय। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कंडोरड़ा साजन,
ज़्यादा देर नहीं लगी क्योंकि रास्ता सही है ना, रोड अच्छा है, जल्दी पहुँच चुके हैं। तो अभी यहाँ से हम अंदर जाएंगे, सामने छोटा रास्ता है, अभी हम लोग अंदर जाके आया, थोड़ा देखा यहाँ, देखिए ये रास्ता है, दो आदमी मुश्किल से जा सकता है। तो हम लोग जाएंगे अंदर और हमारे साथ आप भी आइए, वहाँ दर्शन कीजिए और थोड़ा बहुत इतिहास हमको पता है मालिक भाई का, वो हम आपको बताएंगे। सही है ना साजन? सही बात। तो बने रहिए हमारे साथ, हम जाएंगे लीलबाई धाम कंडोरड़ा माँ के मंदिर तक। चलते हैं अंदर। यहाँ दो दो आदमी मुश्किल से चल सकते हैं साजन। सही बात। देखो पगडंडी जैसा, देख देख फिर वो लीलबाई माने जो अपना पिछला जीवन था ना, हाँ। वो यहाँ पे गुजारे थे, तो माने समाधि भी यहाँ ली, फिर उसके एक साल के बाद उसका पति श्री वच्ची भगत उन्होंने भी यहाँ समाधि ली, उसके बाद उसका बड़ा बेटा था पुंजा था, उसकी भी समाधि यहाँ है साजन, हम लोग दर्शन करवाएंगे। हाँ, सही बात है। अभी हम मंदिर तक पहुँचने वाले हैं, जो ये है इससे सामने मंदिर है, सामने दिखाएंगे वहाँ से। देखिए ये सामने मंदिर, देखिए ये मंदिर है लीलबाई माँ का, थोड़े दूरी है, 100 मीटर की दूरी है। देखिए आप लोग दर्शन कीजिए, कहीं भी है कंडोरड़ा लीलबाई माँ समाधि वच्ची बापा समाधि स्थान है, ये माँ का सानिध्य है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। माँ का मूल गांव तो केशव है, मुड़वाड़ा जन्म केशव, फिर उसका जो जीवन है अपने संसार का जीवन वहाँ पे गुजरे, फिर एक टाइम वो माधोपुर में आने के टाइम अपना राजा था जो पोरबंदर का, उसको एक बीमारी थी दम की, श्वास की, तो माताजी ने वहाँ भोजन समारंभ कुछ रखा था, नॉर्मल छोटा, थोड़ी बहुत हमको मालूम है वो बताते हैं। फिर साजन लीलबाई माता जी के भक्त थे जो अपना पोरबंदर का महाराणा था, विकम माता जी नाम था उसका, और रूपाली बा, ये दोनों, तो उसने वहाँ भोजन समारंभ रखा था माधोपुर में, तो महाराजा भी, पोरबंदर का महाराजा भी वहाँ गया, और जब भी माँ ने वहाँ खाना पीना सब ये चल रहा था, तभी राजा भी वहाँ बैठा था, तो माँ ने अपने हाथों से उसको घी परोसने के लिए वहाँ पे माता जी खुद जाते हैं, तभी वो बोलते हैं मेरे को श्वास की दम की बीमारी है, मैं माँ घी नहीं खा सकता हूँ, घी नहीं पी सकता। फिर माँ ने अपने हाथों से उसको घी पिलाया, उसके बाद उसकी बीमारी सब कुछ सही हो गई। ये पर्चा है माँ का, यहाँ का वही पर्चा है, हाँ माधोपुर का ये पर्चा है, 12वां 13वां ऐसा कुछ है लिखा हुआ है। उसके बाद वो भक्त हो गया माँ का, वो राजा। उसके बाद जो हम लोग मेन आए कंडोरड़ा की कहानी, क्यों माँ ने कंडोरड़ा कैसे आई, क्या है कहानी, ये सब परिवार यहाँ क्यों आया, तो फिर वो राजा ने यहाँ कंडोरड़ा में चार साथी की, गुजराती में बोलते चार साथी, 100 बीघा के आसपास जगह माँ को यहाँ दान दी भेंट में, क्योंकि वो खुश हो गया था राजा। राजा माँ को दी, हाँ माँ को जमीन दी। फिर माँ ने यहाँ अपना पिछला जीवन है जो 30-35 साल की जो उसकी कहानी है, जो भक्ति की और सनातन धर्म निभाया, वो भी हम आपको अंदर लेके सब कुछ बताएंगे। सही आपने साजन, हम लोग पूरा दर्शकों को बताएंगे, जितना हमको इतिहास मालूम है और जितना हमको पता है कि क्या क्या सही बताने की हम लोग कोशिश करेंगे, फिर भी कुछ गलती हमसे है तो हमको पता नहीं है ना इतिहास का, तो सही। ओके दोस्तों, जय लीलबाई माँ, जय माता जी। हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साजन हम लोग अगले वीडियोस में माँ के दर्शन जरूर करवाएंगे। जरूर जरूर, सही है ना, क्योंकि आज का टाइम खत्म हो गया, 10 मिनट में तो इतनी लंबा इतिहास है जो माँ का, वो कैसे बता सकते हैं, तो हम लोग अपना अगला वीडियोस में पूरा दर्शन कराएंगे, अंदर बहुत कुछ है, माँ की समाधि स्थल है, द्वारा है, सब कुछ है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और अपना ख्याल जरूर रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय माता जी।